उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में बच्चों को उनके अभिभावक के माध्यम से उनकी किताबें और अनाज दे दिया गया है। उसी को देखते हुए जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जाना गया। यह निर्देशित किया गया है कि बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाए और जिन बच्चों को अभी तक पुस्तक नहीं मिली है उनके घर तक पुस्तक पहुंचाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा, सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय हम लोगों की है और उनको कोशिश करके हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार से धन मिले। सारे स्कूलों में हमसे कोई कहता नहीं है सर क्या करें, कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच भी करिए कि उनकी व्यवस्था से किसी एक विद्यालय दो विद्यालय में जुड़ जाए। यूनिफॉर्म की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ से सहायता समूह कर रहे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ सहायता समूह के लोग कर रहे हैं। एक सर की समस्या कुछ कुछ जगह एक विद्यालय का बजट 1,50,000 है, संख्या ज्यादा होने के कारण दो स्वयं सहायता समूह को दे दीजिए। अभी एक जगह गलती हुई, गलती क्या होगी, हमारे विभाग की गलती नहीं है। कई बार आप गार्जियन को मैसेज करते हैं कि आइए किताब ले जाइए, वो बच्चों को साथ ले आते हैं, पहले से बच्चे आकर के वहाँ बैठे थे। स्ट्रिक्टली मैसेज करिए गार्जियन को कि कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा, किताब लेने या राशन का वाउचर लेने गार्जियन ही आएंगे, बारी बारी से आएंगे। कोई भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कही गार्जियन को कही, बिल्कुल अपने परिसर के आस पास मना लें। तो किताबों का वितरण शुरू हो गया है सभी जिलों में और राशन वाउचर भी राशन का वाउचर और किताब एक साथ दे रहे हैं। पैसे वाला कुछ जगहों पर कठिनाई आ रही थी, खाता दूसरा वाला कर रहा है, मीटिंग कौन कर रहा है, इन लोगों को खाता संख्या नहीं करके मीटिंग कौन कर रहा है देख लीजिए, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए कब खुलेगा पता नहीं है। लेकिन हम लोग ये ना सोचे, निश्चिंत ना हो कि अभी नहीं खुल रहा है तो क्या करें, सारे बच्चों के पास किताबें पहुँच जाए, उनके गार्जियन को राशन का वाउचर मिल जाए, उनके खाते में पैसा चला जाए, ऑनलाइन क्लासेस की थोड़ी मॉनिटरिंग होती रहे। ये नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया, आखिर बच्चों के लिए तो लॉकडाउन ही है, बच्चे तो स्कूल आ नहीं रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रयास शुरू हुआ है वो चलता रहे, ये सारी तैयारियां पूरी रहे, ताकि जिस दिन निर्देश मिले केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का कि अब बच्चे आ सकते हैं, तो बच्चों को आते ही फुल स्विंग में हमारे स्कूल शुरू हो जाए, फिर हमारा इन सब चीज़ों में समय बर्बाद ना हो, ये तैयारी थोड़ी रहनी चाहिए। इस साल जो लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग थे, तो ये लगा कि अगर हम ये निकाल देंगे तो उन बच्चों को लगेगा कि हमको अवसर नहीं मिला, तो परीक्षा होगी कि नहीं होगी या केवल अंतिम वर्ष की होगी, जो भी होगा वो निर्णय इस बार महीने में हो जाने वाला है, उसके बाद नए सत्र का प्रवेश लेंगे। अभी क्या चल रहा है, पुराने बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, कैंपस में तो कोई जा नहीं रहा नहीं सर, इनकी परीक्षाएं कब ड्यू थी, इस बैच की फरवरी में ड्यू थी जो नहीं हो पाई। प्रिंसिपल हमारे इस मंडल के किसी भी डाइट में नहीं, गोरखपुर में नहीं, महाराजगंज में नहीं, कुशीनगर डाइट के प्रिंसिपल्स और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ बुलाया था या ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति जानने के लिए। बच्चों को इस समय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है, घर तक पुस्तक पहुँचाने की तैयारी चल रही है, पहुँचाया जा रहा है, राशन वाउचर के माध्यम से राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, राशन उपलब्ध कराया जा रहा है मिड डे मील का, तो इन सब की समीक्षा के लिए बैठे थे। जाड़ा बीत गया तब स्वेटर मिला, योगी सरकार के आने के बाद से ये चीज़ें नियमित हुई, छात्रों की सुविधाएं बढ़ी भी, आपने देखा इस सरकार के आने के बाद खाकी कलर का ड्रेस बदल के रंगीन ड्रेस दो जोड़ी मिलना शुरू हुआ, जूते देना शुरू किया योगी सरकार ने कि बच्चे केवल यूनिफॉर्म पहन के चप्पल पहनकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चों को ठंड से भी बचाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी व्यवस्था से स्वेटर देने का प्रबंध शुरू किया, और
समय से ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई। आप कल्पना करिए कि लॉकडाउन चल रहा था, महामारी का समय चल रहा है, अभी स्कूल बच्चे कब आएंगे ये निश्चित नहीं है, उसके बावजूद भी जुलाई महीने में हम 24 मार्च से 30 जून का उनके हिस्से का अनाज, उनका कन्वर्जन कास्ट उनके अभिभावकों के खाते में भेज रहे हैं। किताबें जिलों तक आ गई, जिलों से ब्लॉक पर पहुँच गई, स्कूलों में वितरण शुरू हो गया है और शुरू हो गया है, इसकी तमाम सारी खबरें आपको अखबारों में मिल रही। आज जो बैठक बुलाया था हमने अधिकारियों को, हमने यही निर्देश दिया है कि हम तो जहां जा पाएंगे करेंगे ही, क्योंकि हम लोगों का दौरा भी ज़्यादा नहीं हो रहा। हमने सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खंड शिक्षा स्तर के अधिकारी, स्तर के सभी अधिकारी औचक निरीक्षण करें, किताबें बट रही हैं कि नहीं बट रही, उस पर कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई करें।